आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। सेला कोई अंबर फैक्ट्री चोरी का खुलासा, लाखों के सामान के साथ 6 सातीर चोर गिरफ्तार। दून पुलिस ने सेला कोई अंबर फैक्ट्री में चोरी करने वाले 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 6 लाख का सामान बरामद किया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में मसूरी पुलिस ने भी 1 साथी चोर को गिरफ्तार किया है। देहरादून से खबर है, होटल संचालक पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून पुलिस ने प्रेम नगर स्थित है रेस्टोरेंट संचालक पर फायर करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी देहरादून से भागने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। नशे में जिंदा सांप को चबा गया स्नैक एटर, फेटा डालकर पूरी की फैंटेसी। तो सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के लाल कुआं का बताकर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो किया जा रहा है। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लाल कुआं में रेलवे भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों से रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा भूमि खाली कराई जा रही थी। इस दौरान एक सांप निकल गया, अतिक्रमण टूटने से बौखलाया। एक शख्स ने नशे के हालत में सांप को पकड़कर चबा लिया। लोग शख्स को ऐसा करने से मना भी कर रहे थे, लेकिन शख्स ने किसी की नहीं सुनी। लोगों ने इस पूरे वाक्य का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि गनीमत रही कि सांप का जहर युवक के शरीर तक नहीं पहुंचा। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर हल्ला बोल, संघर्ष समिति ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग को लेकर फिर से आंदोलन तेज हो गया है। संघर्ष समिति ने आज तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। मसूरी में बनाई गई राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया याद। तो कांग्रेस भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। इस बीच राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। फाइबर कंपनी के श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने किया हंगामा। तो सितारगंज की फाइबर कंपनी में एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधक पर मौत का कारण छुपाने के आरोप लगाए हैं। श्रमिक के परिजनों ने शव को फैक्ट्री के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। गुंडार पहुंची भगवान मधमेश्वर की डोली, कल खुलेंगे कपाट। तो 22 मई को मधमेश्वर धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। 11 बजे वेद ऋचाओं के साथ मधमेश्वर धाम के कपाट खुल जाएंगे। उससे पहले आज भगवान मधमेश्वर की डोली गुंडार गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया। महाकाली मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। तो विकास नगर के इंदौली गांव में बने प्राचीन महाकाली मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला है। भक्त 20 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव तय करके काली माँ काली का दीदार कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस के हाथे चढ़े 3 फर्जी विजिलेंस अधिकारी। सिंचाई विभाग कर्मी से की थी 1 लाख की ठगी। तो फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी से 1 लाख रुपए ठगी करने वाले 3 आरोपियों को हल्द्वानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि महिला साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 20 लाख की स्मैक के साथ ANTF के हाथे चढ़ा दामाद, ससुर की तलाश जारी। तो उत्तराखंड STF और ANTF टीम ने ड्राईवाला में 20 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गंगा में डूब रहे युवक को राफ्टिंग गाइड ने बचाया, देवदूत बनकर दिया जीवन दान। तो ऋषिकेश में एक पर्यटक की जान जाते बच गई, गनीमत रही कि राफ्टिंग गाइड ने उसे समय से देख लिया, जिसके बाद उसका रेस्क्यू कर राफ्ट पर चढ़ाया गया। पर्यटक ने जान बचाने पर राफ्टिंग गाइड का आभार जताया। अल्मोड़ा में 2 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने वन कर्मियों को सौंपा। तो अल्मोड़ा में रानीखेत में पुलिस 2 लकड़ी तस्करों को दबोचा है। मौके पर आरोपियों के पास पिकअप वाहन में चीड़ के 34 तख्ते और 35 बल्ली बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 तस्करों को वन कर्मियों को सौंप दिया। लक्षर से खबर है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अब जेल में कटेगी जिंदगी। तो लक्षर में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि बाद में शादी करने की बात युवक मुकरने लगा, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। पीड़िता की तहरीर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारियों ने रखा सोन प्रयाग बाजार बंद, भंडारे पर रोक लगाने की उठाई मांग। तो केदारनाथ यात्रा में मुख्य पड़ाव सोन प्रयाग बाजार व्यापारियों ने बंद रखा, लेकिन केदारनाथ की यात्रा पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा। यहां यात्री आते और जाते रहे। व्यापारियों की मांग है कि सोन प्रयाग में जगह जगह संचालित हो रहे भंडारे पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा उनकी अन्य मांगें भी हैं। रोड रोलर का ब्रेक फेल होने से मची खलबली, दीवार तोड़कर घुसा, विभाग करेगा क्षतिग्रस्त मकान की रिपेयरिंग। तो ऋषिकेश रेलवे रोड पर लोक निर्माण विभाग का रोड रोलर अनंत होकर के घर में घुस गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं लोक निर्माण
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षतिग्रस्त मकान की रिपेयरिंग जल्द की जाएगी। हरिद्वार से खबर है, होटल में पार्किंग को लेकर के जमकर चले लात घुसे, पुलिस ने करवाया मामला शांत। तो हरिद्वार में एक होटल में चल रही दो पार्टियों के मेहमानों के बीच पार्किंग को लेकर के हाथापाई हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दादा पोते पर हमला कर घायल करने वाला गुलदार पकड़ा, लोगों ने लिया हाथ की सांस। तो खेत में गए दादा पोते पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। गांव में गुलदार की धमक से लोग खौफ ज़्यादा थे, साथ ही ग्रामीण वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे। यात्रा पर आए पंजाब के श्रद्धालु की मौत, घंघरिया में आते समय तबीयत हुई थी खराब। तो सरदार मनजीत सिंह अपने साथी गुरप्रकाश के साथ हेमकुंड साहिब आए थे। रविवार को रास्ते में मनजीत सिंह बेहोश हो गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खाई में गिरी 40 यात्रियों से भरी बस, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर रुड़की के समीप मुजफ्फरनगर डिपो की बस सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, तीन यात्रियों को ज़्यादा चोट थी, जिन्हें रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें रोडवेज बस चालक भी शामिल है। राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों और गाइड के बीच मारपीट, गोप्रो कैमरा बना विवाद का कारण। तो राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों और गाइड के बीच हुई मारपीट सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन पर्यटन विभाग के अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि गाइडों और पर्यटकों के बीच विवाद का असली कारण गोप्रो कैमरा है। हेली टिकटों की बुकिंग के लिए अब 23 मई को खुलेगा पोर्टल, 27 तक बुकिंग हुई फुल। तो 23 मई को खुलने वाले हेली टिकटों की बुकिंग स्लॉट को बढ़ाया गया है। 28 मई से 15 जून तक केदारनाथ यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। IRTC का बुकिंग पोर्टल 23 मई को 12 बजे खुलेगा। उन्होंने बताया कि 27 मई तक बुकिंग फुल हो गई है। यमुनोत्री धाम आए दो तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत, अब तक 14 श्रद्धालुओं की हुई मौत। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए दो श्रद्धालुओं की आज रविवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब तक 14 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच फिर हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक और बदमाश घायल। तो पुलिस को सूचना मिली कि जंगल के अंदर गौकशी की तैयारी चल रही है। पुलिस और CIU की टीम ने मौके पर पहुंचकर खंगालना शुरू किया। सभी दो लोग गौकशी करने की तैयारी करते मिले। जैसे ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू की, वैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।